the fear of being here on my own, where the wind's blowing and the leaves they turn to gold, like they did with you those summers ago. ट्राम स्टेशन पे और वेट कर रहे हैं ट्राम के लिए, शायद आने वाली है और जाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग से रेस्टोरेंट में. होपफुली अमेजिंग हो रेस्टोरेंट और खाना भी अच्छा हो, कल के डिनर वाला जैसा ना हो, फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड द ट्राम इज कमिंग एंड फाइनली आ ट्राम सेंट्रल स्टेशन. जैसे सेंट्रल स्टेशन नहीं जा रहे, एक और अच्छी जगह जा रहे, वो है डैम स्क्वायर. आ गए हैं ट्राम से बाहर और पहुंच भी गए हैं जहां हमें लंच करना है, और उसका नाम है इस फ्लैग पे जो कि फोल्ड हो गया है, द डचेस. मैंने लिख भी दिया है. और इसका जो जगह है वो राध हाउस रात है. वैसे आप गूगल पे करेंगे सर्च तो मिल जाएगा द डचेस. लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि आखिर फूड कैसा है. लेट्स गो. We have a reservation for lunch. Megha. आ गए अंदर. एम्बियंस देख रहे हैं आप, लग्जरी में आते ही ना लग्जरियस एम्बियंस हो गया. और आते से ही हमारा जैकेट ले लिया, हमारा बैग ले लिया, एंड देन वी गॉट दिस चेयर. और आके ये भी मिल गया, इनका स्टार्टर देख के ना यू विल बी लाफिंग. तो पहले मिला ये मिर्ची विथ ऑयल, एंड ये जो दिख रहा है ना, मुझे लगा पता नहीं क्या मीट दे दिया है, बट इट्स टोमेटो. और ये मफिन के शेप का ब्रेड है. एंड ऑर्डर कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, स्टार्टर्स भी ऑर्डर कर दिया है और जो मेन कोर्स है वो भी ऑर्डर कर दिया है. सो आई एम वेटिंग फॉर इट. एंड तब तक आप इन्जॉय करिए यहाँ का एम्बियंस. और ये ड्रिंक है लेमन जूस सोडा. सो फर्स्ट स्टार्टर आ गया है, विच इज़ दिस. ये है जुकीनी एंड विथ चीज़, एंड ये ट्रफल है. सो लेट्स सी कि वो कैसा टेस्ट कर रहा है. आई थॉट बिल्कुल रॉ होगा, टेस्टलेस होगा, बट इट्स एक्चुअली टेस्टिंग नाइस. मुझे ज़्यादा होप नहीं थे. और हम इंडियन वैसे भी इतने पिकी और चूजी होते हैं, बट दिस इज रियली नाइस. अब टाइम है सेकेंड स्टार्टर का, विच इज दिस. ये है पोटैटो रोस्टेड एंड दिस इज चीज, और ये भी चीज के ड्रॉप्स है. बट जो पहला वाला था ना जुकीनी, इट वॉज अमेजिंग. और ब्रेड इतना फ्रेश था. और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई, ये मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है. सो लग्जरी प्लस मिशलिन स्टार, what a combination. और वेजिटेरियन फूड मिल रहा है. Now I want to eat this. Have you ever thought, Megha, कि ज़ुकीनी इतनी टेस्टी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. और ज़ुकीनी इतनी टेस्टी थी, मैं ज़ुकीनी का वो सैलड खा के ही इतना अच्छा लग रहा है कि अब मेरा नज़र इस पर है.
Let's dive in. So it's crunchy potato. It's actually good. But agar dono mein se kaun sa acha laga? Mujhe shayad zucchini. Now let Saurabh tell ki usse kya acha laga. Mujhe pata usse potato acha lagega. Dekhte hain ye wala starter kaisa hai. Which one is better, zucchini or this? ये भी अच्छा है, मगर इसका कोई अलग taste नहीं है. Zucchini का अलग taste था, इसलिए वो अच्छा बना था. ये तो normal potato है और थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने इसको crunchy कर दिया, शायद थोड़ा सा fry भी किया. लग तो tasty रहा है, मगर because zucchini was very different, so my vote also goes for zucchini. आ गया है main course और वो है ये. This is tagliolini pasta. Actually, एक टाइप ऑफ पास्ता ही है और उसमें है पेस्टो सॉस और फिर ये चीज़ है और ये है पिस्ताचो फ्रॉम इरान. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर मेन कोर्स टुडे. अमेजिंग, बहुत ही अच्छा. आई थॉट पिस्ताचो से स्वीट कर देगा बट इट्स एनहांसिंग द टेस्ट. Chef knows combinations actually. And now it's time to have some dessert. Or dessert mein kya hai? It's cream brulee with ice cream. And how beautiful it's looking. And sort of will end with cappuccino. Of course, ye to khai gai. But then cappuccino. Awesome. डन विथ आर लंच. और जैसे मैंने बताया था, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना ही भूल गई जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और वो थी कि ये मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है और मेरा और सौरभ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे किसी रेस्टोरेंट में खाने का. और रेस्टोरेंट का नाम था, यू कैन सी इट हियर, द डचेस. तो अगर आप आना चाहते हैं एम्स्टरडैम और ऐसे किसी मिशलिन स्टार में खाना चाहते हैं तो this is a good option. It's a fine dining experience. इसलिए जो बिल आया है वो एक्सपेंसिव है, 113 यूरोस का, जिसमें 3-course meal है एंड इंक्लूडिंग डेजर्ट. एंड अमेजिंग फूड है, थोड़ा डिफरेंट है बट टेस्टी है. तो अगर आपके किसी का डेट पे आना चाहते हैं या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं या बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, गो फॉर इट, द डचेस. बाहर आए और अचानक ही मौसम देख रहे हैं आप, ऑफिस सनी हो गया है, नो अम्ब्रेला नीडेड. विंडी बहुत है तो मेरे बाल पूरे खराब हो गए हैं, बट एटलीस्ट रेन नहीं हो रही है तो इसीलिए हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं अभी डैम स्क्वायर के आसपास के एरिया. मैं खड़ी हूँ एना फ्रैंक हाउस के सामने, लिखा हुआ है यहाँ पर. और यहाँ पे अगर आपको देखना है अंदर से तो जो टिकट्स हैं वो अब सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही आप बाय कर सकते हैं. और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, आई कॉन्ट शो यू फ्रॉम इन साइड. तो ये एक चीज़ है जो आपको एम्स्टरडैम आना पड़ेगा और उसे अंदर से देखना पड़ेगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एना फ्रैंक एंड हर स्टोरीज. पहुंच गए हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टे पे और वो है, आप सोच सकते हैं मेरे पीछे का बिल्डिंग देख के, ये कैनाल देख के कि हम कहाँ खड़े हैं. हम लोग हैं बोट हाउस में. यू हर्ड इट राइट,
हमारा आज का स्टे है ये बोट हाउस एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लग्जरी स्टे बिकॉज दिस इज अ लग्जरी बोट हाउस. देखते हैं इसको कि ये अंदर से कैसा है. ये डेक है वैसे और ऐसे दो चेयर्स लगे और आपको बता ही था कि कितना बारिश हो रहा है, बहुत बारिश है इसलिए इसके कुशंस चले गए हैं. अदरवाइज इट वुड हैव बीन फन टू सिट हियर. और ये क्या है? सोना. तो आप सोना कर सकते हैं और कुशंस इसके अंदर रखे हुए. इट कुड हैव बीन सो फन. तो अगर हो पाता है तो ये कुशंस रखेंगे अंदर और रात में मस्त सोना करेंगे आफ्टर हैविंग डिनर. वैसे लंच में इतना कुछ खाया है ना कि डिनर का इतना भूख है नहीं. दिस इज द डेक ऑफ द बोट हाउस. लेट्स गो इन. देखते हैं अब इस बोट हाउस को अंदर से. ये बोट है और बोट पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक है और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. तो ये है लिविंग स्पेस. काउच, ये स्टैच्यू देख रहे हैं लाफिंग बुद्धा का स्टैच्यू. अच्छे से चेयर्स लगे हुए हैं, कारपेट है, लग्जरी फीलिंग आया. वी हैव गॉट दिस डाइनिंग टेबल एज वेल विथ टू चेयर्स. किचन, ऑफकोर्स किचन में स्टोव नहीं है बट यू हैव गॉट अवन. तो आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं जैसे शायद हम आज करेंगे, लेट्स सी. तो अगर डिनर ऑर्डर किया सो वी हैव गॉट अवन, वहाँ पे हम गरम कर सकते हैं. वी हैव गॉट अ सिंक और कॉफी मशीन. और इसके अंदर अगर सोच रहे हैं तो क्या है? दीज आर कॉफी कप्स. तो कॉफी कप्स है, कॉफी मशीन है, केटल है टू वार्म अप आवर वाटर. दीज आर कबर्ड्स. So these are cupboards. हमारे jackets already इसमें hang हो रहे हैं. और ये है हमारा bed. Tired by the walking in Amsterdam. और काफी बड़ा है. और अगर boat है तो सबसे important क्या होना चाहिए किसी भी boat के अंदर? This, इसे क्या बोलते हैं? Actually में इसे steering wheel बोलते हैं क्या? So let's steer it. left, mega left. It's moving. Turn left quickly. Nothing is happening, guys. ये सिर्फ एक शो के लिए रखा हुआ है. Nothing is happening. Our boat is stable as rock. ये देख रहे हैं paintings. This. ये Delft blue है. ये बहुत फेमस आर्ट है नेदरलैंड्स का. डेल्फ करके एक सिटी है, वहां पे बनता है ये ब्लू पेंट से. आप गए हैं क्या डेल्फ कभी या आपने देखा है? ये यहाँ पे भी रखा है, यहाँ भी रखा है. सो दिस इज स्पेसिफिकली फ्रॉम नेदरलैंड्स. तो आपको अगर ये दिखेगा तो ये नेदरलैंड्स का है. तो ये है हमारी बोट. ये एंट्रेंस थी, यहां से एंटर किए थे, वो डेक था. तो काफी बड़ा स्पेस है और ये है हमारी आज का स्टे, अ हाउस बोट इन Amsterdam. और एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई कि हाँ बोट है बट शार एरिया भी है. सो यू हैव गॉट अ शार एरिया हियर और वो भी काफी स्पेशियस है. बोट हाउस. फाइनली रुक रहे हैं हम लोग बोट हाउस पर. एक्चुअली नेदरलैंड्स आए हुए हम लोग को 10 इयर्स हो गए और जब फर्स्ट टाइम मैं Amsterdam घूमने आई थी मैं अपने एक फ्रेंड के साथ घूमने आई थी और तब ही टोल्ड मी कि उससे पहले जब वो Amsterdam आया था तब बोट हाउस में रुका था. आई वाज लाइक बोट हाउस में रुके थे, ये कैसे हो सकता है? बट फाइनली हम दोनों yes. बोट हाउस में रुक पा रहे. अंधेरा हो गया है काफी अभी, वैसे 6 भी नहीं बजे हैं बट स्टिल इट्स पिच डार्क. और इसलिए अभी बोट पे ना आपको थोड़ा हमको पता नहीं कितना अच्छा सा आ रहा होगा बट अभी ना यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी से डिम सी लाइट ऑन हो गई है बोट के अंदर की. तो इट्स मेकिंग सो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड पूरे माहौल को इतना अच्छा बना रहा है ना. और बाहर बिल्डिंग्स है और बिल्डिंग से ऐसे सारे विंडो से लाइट ऐसे पूरा उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है. ये एक्चुअली ये कैनाल नहीं है, इसके ये जाके सी को कनेक्ट होता है. हाँ. So उसका पूरा रिफ्लेक्शन पानी पे आ रहा है एंड इट्स ऑल लुकिंग वेरी मैजिकल एटमॉस्फेयर एक्चुअली. बोट हाउस. बाहर का रिफ्लेक्शन देखा आपने और अभी क्योंकि इतनी हवा चल रही है तो रिफ्लेक्शन चला गया है और बारिश भी इतनी तेज हो रही है सो पूरे वेव्स आ गए हैं. एंड डू यू सी दिस लाइट्स, ये पूरा उसको इतना अच्छा सा बना रहे हैं. इट्स
It's so different. हम Amsterdam में रहते हैं और Amsterdam के outskirts में रहते हैं actually. And we are living in Amsterdam. Near, अब near the canal नहीं बोलेंगे. This is on the canal. So happy I am. Why are you so happy, Saurabh? City में रहने का एक और फायदा. You can order food online. क्या order किया है? Let's find out. Yes. So हम लोगों का dinner ready. Indian restaurant से हमने order किया था. मटर पनीर, समोसे, लच्छा पराठा. That's it. Quick and short dinner. गुड मॉर्निंग. बहुत ही विंडी हो रहा है और शायद कितनी बार बता चुके हैं ना ये बात. नेदरलैंड्स है और सन ऐसा बिल्कुल फेस पे आ रहा है इसलिए बहुत अच्छे चमक रहे होंगे हम लोग. बट अब टाइम है वापस हेड बैक टू आवर होम क्योंकि आज है मंडे और वैसे आज ही है हमारी एनिवर्सरी. बट आज हम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते और ना छुट्टी ले सकते क्योंकि बहुत ही बिजी और मंडे है तो ऑफिस का काम करना होगा. एंड ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे इसलिए हम लोग घर जाएंगे वहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे. बट रात में जब हम लोग यहाँ पर सो रहे थे बोट के ऊपर तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड ऐसा हल्का हल्का सा फील हो रहा था कि हाँ यू आर इन अ बोट. बट अच्छा लग रहा था ना ऐसा लग रहा था बोट सेल हो रही है. वैसे इतना ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं था थोड़ा थोड़ा हो रहा था बट इट वॉज फन एक्चुअली. अब बोट में है तो बोट वाला फीलिंग तो आना ही चाहिए ना. बट आपको कौन सा प्लेस अच्छा लगा बजट वाला मतलब कैप्सूल जहाँ पे हम रुके थे या ये बोट वाला आप कौन सी जगह रुकेंगे या फिर दोनों ही अच्छे लगे दोनों में ही रुकना चाहेंगे जैसे हम लोगों ने किया एक वीकेंड में. बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन और में. अगर आपके पास कोई और ऐसे होटल्स की लिस्ट है या किसी और सिटी में आपको पता है कि ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस हम लोग कवर कर सकते हैं आप लोगों के लिए सो डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन. वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर दोस प्लेसेस एज वेल. या फिर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं बजट एंड लग्जरी तो भी बताइएगा. तो वी विल ट्राई टू मेक दो सॉर्ट ऑफ वीडियो जिसपे कंपेयर कर सके बजट ट्रैवल एंड लग्जरी ट्रैवल. अब करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड. डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है देसी कपल ऑन द गो और फेसबुक पे शेड्स ऑफ मिक्स. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन Bye. Bye.